चर्चा में लगे हुए हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें, यानी जितने लोग हैं वो तरह तरह की बातें, और मैं भी कई दिनों से, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि सब लोग सिर्फ कट ऑफ को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। और लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग 75 से लेकर के 90 तक, मतलब 15 क्वेश्चन का अंतर बता रहे हैं लोग। अब इसमें है क्या कि जिनको लगता है कि वो पीटी में सेफ है, ठीक है, उनके लिए भी, और जिनको लगता है कि नहीं, इस बार पीटी नहीं होगा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाली स्थिति है, उन दोनों के लिए, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऑलमोस्ट। क्योंकि जिनका पीटी अभी सेफ नहीं है, या जिनको लग रहा है कि नहीं, इस बार पीटी में होगा नहीं होगा दुविधा, उनका भी अगर वो सिर्फ इसको सोचने में लगा देंगे तो फिर उनका समय निकल जाएगा। उससे अच्छा है कि उनको क्या करना चाहिए कि उनको भी साथ साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है देख लीजिए। तो उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि 9 दिसंबर को मेंस होना है, 9 दिसंबर से मेंस स्टार्ट होना है, और उसके बाद जाकर के फिर क्या है, तो उसके बाद जाकर के जो 70वीं बीपीएससी है उसकी वैकेंसी आएगी। तो जिस हिसाब से बीपीएससी अपने आप को अपडेट करने में लगा हुआ है, और अपना जो बीपीएससी का जो अपना सेशन रहा है उसको वो ठीक करने में लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर बार प्रीलिम्स के बाद 2 सवा 2 महीने ही टाइम मिलेंगे मेंस के लिए। जैसा कि आपने देखा भी होगा पिछले एग्जाम्स में कि फरवरी में हुई थी, उसके बाद जाकर के फिर मेंस हुई, तो 2 ढाई महीने से कभी भी ज्यादा मिलना नहीं है फ्यूचर में मेंस के लिए, और 2 ढाई महीना जो है वो प्रैक्टिकली भी मेंस की तैयारी के लिए सफिशियंट नहीं होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना ये चाहिए कि हमें प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर के चलना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो 70th बीपीएससी देने जा रहे हैं वो भी अभी से प्री और मेंस को साथ में लेकर के चले, और ऐसे स्टूडेंट जो सेफ है और जिनको लगता है कि नहीं, दिसंबर में मुझे मेंस देना है क्योंकि प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा, तो उन्हें अब वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद जाकर के अगर कुछ भी कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रेगुलर चैट बॉक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं और आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, तो आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि एक सही स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बीपीएससी मेंस को लेकर के, जो 69th बीपीएससी हम लोग का होने वाला है, तो उसमें सही स्ट्रेटेजी हम लोगों की क्या होनी चाहिए मेंस की प्रिपरेशन को लेकर के। तो आपने देखा कि 67th से ही एक प्रोसेस शुरू हुआ, और वो प्रोसेस ये था कि लगातार बीपीएससी कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहा है हर एग्जाम में, चाहे वो पीटी के पैटर्न की बात करें, पीटी के एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल की बात करें, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन की बात करें, एक चीज जो परिवर्तित नहीं हुआ है जो 7th मेंस में, 68th, 69th, वो है आपका सिलेबस नहीं बदला है। सिलेबस नहीं बदलने का मतलब ये हुआ कि उसमें ऐड हो गया, ऐड क्या हो गया, तो एसे ऐड कर दिया 68th में, और उसके बाद जाकर के जो ऑप्शनल है उसको उन्होंने क्या किया, तो उसे क्वालिफाइंग कर दिया। लेकिन जो बाकी मेंस का सिलेबस है वो सिलेबस वही है, आपके सामने है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। बस जो एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, उसमें बदलाव ये आया है कि अब बीपीएससी ने शॉर्ट नोट्स पूछना शुरू कर दिया। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सेक्शन वाइज सेक्शन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि क्या सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए और हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, हम लोग आप लोग के लिए क्या क्या करने वाले हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। तो 69th की जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए, यानी हम लोगों ने यहाँ पे जो टैगलाइन रखा है, द राइट स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस, यानी रणनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप सीधे पढ़ते जाइए, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि जो सफलता का मार्ग है और असफलता मार्ग का मार्ग है, दोनों सेम होता है, ठीक है। यानी जो रास्ता होता है सफलता और असफलता का, जितने लोग जा रहे हैं रास्ता सेम है, बस किसी को मंजिल मिलती है और किसी को नहीं मिलती है मंजिल, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई ताऊ उम्र सफर पर रहा, तो दोनों में बस अंतर क्या होता है, किसी को एक ही अटेम्प्ट में कोई सक्सेस हो जाता है, एक या दो अटेम्प्ट में, और किसी को बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी, जबकि उनसे जब आप बात करते हैं तो देखते हैं कि बहुत मेहनत किया उन्होंने, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उसमें दुविधा की बात नहीं, बहुत मेहनत किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया लाइफ के साथ, कोचिंग भी की, सब कुछ की, कमी क्या रह गई। कमी जो दोनों में डिफरेंट होता है, चाहे वो सक्सेस वाले हो और जो सक्सेस नहीं होते फेल्योर, दोनों में अंतर ये होता है, दोनों की रणनीति को लेकर के होता है। इसीलिए हम लोगों ने ये जो नाम रखा हुआ है उसी हम लोगों ने आज टैगलाइन दिया हुआ है, द राइट स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस, यानी सफलता की सही रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। तो आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग सेक्शन वाइज सेक्शन ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं, और सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। बीपीएससी ने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, क्वेश्चन के पैटर्न में ही बदलाव किया है।
तो देखिए सबसे पहले जो बीपीएससी का अपना जो जीएस का यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस है, यानी पेपर वन, पेपर टू और उसके बाद जो पेपर थ्री है, तीन आपको पता होगा कि स्कोरिंग वाला है सेक्शन, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू और उसके बाद जाकर के एसए, और तीनों तीनों 300 मार्क्स का है, यानी 900 जो मार्क्स है उसी के आधार पर आपके इंटरव्यू कॉल डिसाइड होगा कि किनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और किनको नहीं आएगा। बाकी जो 200 है यानी 1100 का मेन्स है, टोटल 5 पेपर है, तो उनमें से 100 मार्क्स की हिंदी और 100 मार्क्स का जो ये है ऑप्शनल है वो ऑब्जेक्टिव है। आपको पता होगा ऑप्शनल तो ऑब्जेक्टिव कर दिया है, और उसके अलावा जो है वो दोनों पेपर, चाहे वो हिंदी पेपर हो चाहे वो ऑप्शनल पेपर हो, वो क्वालिफाइंग है, यानी आपको एक मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा जो आपको एलिजिबल बनाएगा मेंस पास होने के लिए, लेकिन उसके मार्क्स जो है वो आपके मेंस के स्कोर में नहीं जुड़ेगा। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी वो मेन स्ट्रेटेजी हमारी इस तीन पेपर पे होगी, जिसको जीएस पेपर वन कहेंगे हम लोग, जीएस पेपर टू कहेंगे और एसए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जीएस पेपर वन लेने जा रहे हैं और जीएस पेपर टू की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, और फिर एसए की स्ट्रेटेजी के लिए कल हम लोग फिर इसी समय पे मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और आइए हम लोग सभी स्टूडेंट जुड़ते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए फर्स्ट, सबसे पहले बीपीएससी का जो सिलेबस है उसको अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी ने जो जीएस के पेपर है उसको दो भागों में बांटा है, जनरल स्टडी पेपर वन 300 का, और उसके बाद जा करके सेकेंड, अगर मैं बात करूं दूसरा अगर पेपर की बात करूं तो सेकेंड जो पेपर है वो है जीएस पेपर टू, वो भी आपका 300 मार्क्स का है। ठीक है, 300 नंबर का जीएस पेपर वन है और 300 नंबर का जीएस पेपर टू है। अब जाकर के इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है और सेक्शन बाई हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो जीएस पेपर जो वन है उसमें आपने देखा होगा, आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से अभी तक ऑब्जर्व भी किया होगा, एनालिसिस भी किया होगा, तो उसमें आप देखेंगे तो जो तीन सेक्शन में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, मॉडर्न, फर्स्ट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये बीपीएससी का जो लैंग्वेज यूज हुआ है उसी को मैंने एज इट इज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। उसके बाद जाकर के करेंट डेवलपमेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, और उसके बाद जाकर के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डायग्राम एंड इलुस्ट्रेशन, यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ये तीन सेक्शन में इसको बांटा गया है, और तीनों सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो तीनों अलग अलग है, और तीनों में जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है, और आपको तीनों सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। अब पेपर वन की बात कर ले, जीएस पेपर वन की बात कर ले, तो जो पहला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन है, उसका जो नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसमें देखा यह गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब भी पूछा है बीपीएससी ने तो उसको बिहार के साथ जनरली कनेक्ट करके पूछा है, यानी चूंकि हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और बीपीएससी का अगर हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बिहार से चीजों को कनेक्ट करके पूछेगा। तो बीपीएससी के अब अगर आप प्रीवियस पेपर में जाएंगे, 1857 रिवोल्यूशन इंडिया में होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बिहार में भी पड़ता है और बिहार के कुछ लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे जोड़ करके पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसी तरह से इंडियन कल्चर की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो इसमें अगर देखेंगे तो ऐसे कल्चर जो कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्टेड रहा है उससे प्रश्न पूछे जाने की हमेशा से संभावना रही है। अब देखिए क्या है कि बीपीएससी ने सिलेबस में बदलाव तो नहीं किया लेकिन उसने अपने क्वेश्चन में का जो पूछने का तरीका है उसमें परिवर्तन किया, और जैसे उसने अपने पैटर्न में चेंज किया, पहले क्या होता था बीपीएससी में, तो पहले यह होता था कि इस सेक्शन से आपको चार बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, चार बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे और उसमें से तीन आपको लिखना पड़ता था, कोई तीन उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और तीन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते थे, बड़े बड़े होते थे। अब उसमें और अभी वाले में क्या अंतर है, देखिए तो बड़े वाले क्वेश्चन जब भी पूछे जाते थे तो उसमें गेस करना आसान हो जाता था, और गेस करना इसलिए उसमें आसान हो जाता था, बहुत ज्यादा इजी था गेस करना, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है यानी कि 400 वर्ड्स के आसपास आपको अगर लिखना है तो ऐसे टॉपिक ही कम हो जाते हैं, यानी कि अगर आपने बड़े क्वेश्चन को ही पूछने आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैं बड़ा क्वेश्चन
क्वेश्चन ही पूछूंगा एग्जाम में, तो स्वाभाविक रूप से जो जिस टॉपिक पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या था कि जो लिस्ट ऑफ टॉपिक था वो एकदम से लिमिटेड हो जाते थे और आसानी से बीपीएससी में गेस किया जा सकता था। और ये प्रोसेस आपने देखा कि 66 तक चला, और जब 66 तक चला और थोड़ी बहुत 67 में चला, 67 में थोड़ा बहुत बदलाव आया, तो जब तक ये 67 तक चला तब तक लोगों के लिए बड़ा आसान था, इंस्टीट्यूट के लिए भी आसान था, हम लोगों के लिए भी आसान था, पढ़ाना भी आसान था, गेस करना भी आसान था, राइट। अब उसके बाद जो क्या हुआ कि कमीशन ने एक बड़ा बदलाव किया, और बदलाव ये किया कि जो चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी जगह उन्होंने तीन क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। और तीन क्वेश्चन जब पूछना शुरू कर दिया तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो वन होगा वो एक शॉर्ट नोट्स होगा जिसमें आपको पांच अलग अलग टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। 38 नंबर का क्वेश्चन होगा, किसी के लिए 6, किसी के लिए 7, ऐसे करके क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा, और पांच अलग अलग छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। इसी तरह इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसी तरह इसमें भी शॉर्ट नोट्स, इसमें तो खैर कर दिया अलग सिस्टम, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि अब इससे टॉपिक खुल गया, खुलने का मतलब ये हुआ कि अब उनके पास दायरा बहुत बड़ा हो गया, और वो कोई छोटे इशू जिसपे 50-60 शब्द में शॉर्ट नोट्स लिखा जा सकता है ऐसे टॉपिक से भी पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि अब शॉर्ट नोट्स वो पूछ रहा है बीपीएससी 68वीं वाले से। तो अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो गया है, यानी अब आप आसानी से किसी टॉपिक को गेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, स्वागत है शशि भारती जी आपका। तो अब आपके लिए यह है कि टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक को आसानी से अब गेस नहीं कर सकते हैं कि हम इतने टॉपिक पढ़ लेंगे, 15 पढ़ लेंगे, पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम याद कर लेंगे, एक आर्ट उसमें से आ जाएगा, राइट। एक सुनी सुनाई ये कहानी पहले ही रहा है, 66वीं तक ऐसा ही होता रहा, उसके बाद जाकर के 1857 से लेकर के 1942 तक की जितनी क्रांति है, जितने आंदोलन है, उन सभी आंदोलन को तैयार कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, 6-7 आंदोलन है उसमें से एक या दो आ जाएगा। उसके बाद आदिवासी विद्रोह है, हम लोग को भी याद है, सारा टॉपिक याद है, आदिवासी वाले दो आंदोलन बिहार से कनेक्टेड है, दोनों को कर लेंगे, एक उसमें से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर क्या करेंगे, तो इसी में जो थॉट्स वाले पूछे जाते हैं, जो थिंकर्स वाले पूछे जाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग करते क्या थे, गांधी नेहरू टैगोर को पढ़ लेंगे और उसमें से एक तो आ ही जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से गेस कर लेंगे और एग्जाम में आंसर लिख लेंगे। ये चीजें 66 तक सही रही, लेकिन जैसे ही उसके बाद बदलाव किया और 68 में जैसे ही बीपीएससी ने शॉर्ट नोट्स पूछना शुरू कर दिया और जिसको कंपलसरी कर दिया, यानी क्वेश्चन नंबर वन में छोटे छोटे और कंपलसरी होंगे, वैसे ही दायरा बड़ा हो गया, और उस दायरे के साथ जो पुराने पढ़े हुए स्टूडेंट है, जिसका किसी ना किसी कारण से इंटरव्यू तो दिया हुआ लेकिन कुछ मार्क्स के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा बर्डन हो गया कि अब उनके अपने जितने भी स्टडी मटेरियल है उनको अपडेट करना पड़ रहा है, अपग्रेड करना पड़ रहा है। जितने टीचर्स है उनको भी हार्डवर्क करना पड़ रहा है, जो हार्डवर्क नहीं करना चाहते उनका तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो टीचर जेन्युइन है, जो पढ़ाना चाहते हैं और आगे भी चाहते हैं कि वो पढ़ाता रहे स्टूडेंट्स को और उनके पढ़ाई से स्टूडेंट सेलेक्ट हो, तो उन टीचरों को भी मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि उन सभी चीजों को इंक्लूड कर सके। और उसके बाद जो परिवर्तन आया है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये टॉपिक खुल गया और अब बीपीएससी के पास कहां 10 से 12 टॉपिक होते थे, 15 टॉपिक आप गेस करके जाते थे, उसी में से आप ये पूरा सेक्शन में कंफर्ट रहते थे, अब आपको इसको 3 गुना कर दीजिए, यानी अब आपको 15 × 3 बराबर 45 के आसपास टॉपिक जो है आपको छोटे बड़े कवर करने पड़ेंगे, तब जाकर पाएगा, ठीक। तो देखिए 68वीं में बीपीएससी ने क्या बदलाव किया, 68वीं में बीपीएससी ने यह बदलाव किया कि क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन वन जो यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर है, उसमें पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा उसमें 5 शॉर्ट नोट्स पूछ दिया, देख लीजिए आपके सामने है, ये 68वीं मेंस का क्वेश्चन है, और चूंकि टाइप नहीं करके मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आपको एकदम क्लियर यहां पे पता चल सके कि ये बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है 68 का। तो देखिए अब शॉर्ट नोट्स उनके पास पूछने की संभावना हो गई, तो ये टोटल 38 मार्क्स का क्वेश्चन था, और जब अगर आप इसको 38 मार्क्स का क्वेश्चन अगर जब ये था तो तब आप इसको अप्रोक्स क्या था कि आप 400 वर्ड्स में लिख सकते थे, इसको 400 शब्द में लिख सकते थे, यानी कि लगभग मान करके चलिए कि प्रत्येक 100 शब्द के लिए 10 अंक, एवरेज लमसम इतना मान करके चलिए। अब 8 पूछ दिया, 8-8 अंक का पूछ दिया, 7-7 अंक का पूछ दिया, तो इसका मतलब है कि 60-70 शब्द में, 80 शब्द में आप जो है 70-80 शब्द में 70-80, जरूरी नहीं है 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, यानी 70 से लेकर के 85 अंक में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। और जैसे ही शॉर्ट नोट्स वाला सिस्टम कर दिया तो अब ये पूरा एरिया खुल गया,
ठीक है, टॉपिक बढ़ गए आपके पास, आप 10-15 टॉपिक रट के जाने से काम नहीं चलेगा, देख लीजिए। तो बीपीएससी ने जैसे शॉर्ट कोर्स इंक्लूड किया, अब उसके पास दायरा बढ़ गया कि वो बहुत सारे टॉपिक पूछ सकता था। पहले वो भी सीमित हो जाता था क्योंकि उन्हें ये खुद भी उनके क्वेश्चन सेट करने वाले जो उनके एक्सपर्ट होते थे, पहले उनको भी तो सुनिश्चित करना पड़ता था कि किसी टॉपिक पे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं उनको फुल लेंथ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उस टॉपिक में उतना कंटेंट होना चाहिए, वो टॉपिक ऐसा उसका नेचर होना चाहिए कि उसमें 400 शब्द में लिखा जा सके, राइट। तो उसी हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करते थे और इसीलिए उनके पास भी टॉपिक कम होता था, इसीलिए 1 साल गैप करके वो उसी को रिपीट भी कई बार कर देते थे, और जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। लेकिन अब हमारी जो है वो 67वीं तक के क्वेश्चन पेपर से कोई स्ट्रेटेजी हम नहीं बना सकते। हमारे लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 69 के लिए 68 का जो पेपर है वही स्टैंडर्ड है, और इसीलिए मैंने इस पेपर को ही इंक्लूड किया है ताकि आप इन चीजों को समझ सके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो 70 to 85 वर्ड में आपको ये शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा, और देख लीजिए जैसे कि भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, जो कि 1857 के रिवोल्यूशन के बाद आया था, 1857 की क्रांति के बाद ही 58 का एक्ट आया था। तो इसका मतलब ये हो गया, अब हमें 1773 से लेकर के 1935 तक के सभी एक्ट को तैयार रखना पड़ेगा, और इसमें से जो एक्ट थोड़ा बड़ा होगा उस पे लॉन्ग क्वेश्चन, और जो एक्ट थोड़ा छोटा होगा उस पे शॉर्ट नोट्स तैयार करना पड़ेगा। देखिए बढ़ा टॉपिक बढ़ा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा, अपग्रेड भी करना पड़ेगा, और जो इंस्टीट्यूट अगर जस्टिफाई नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है वो सफर करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, तो जो स्टूडेंट अगर नहीं करेंगे तो फिर अब देख लीजिए क्या है कि आदिवासी आंदोलन, मुंडा आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा का आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन हम लोग को बेसिकली अगर देखें तो दो ही पढ़ते थे क्योंकि बड़े टॉपिक दो ही बनते थे। अब क्या है कि 4 से 5 आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए जो 5 शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं मुझे लगता है, जिसमें से एक इस बार पूछ लिया है, 4 और शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे तो छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन बनने की शुरुआत हो जाती है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद इंडिगो नील विद्रोह जो कि बंगाल वाला है, ये गांधी जी वाला चंपारण वाला नहीं है बल्कि ये नील विद्रोह है 1859 का, उससे पूछा है। यानी अब छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स है वो किसी भी टॉपिक से बन सकता है। जब आप 1773 की बात करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, वहां से अगर शुरुआत करें और 1947 तक देश की आजादी, तो शॉर्ट नोट्स कहीं से भी बन सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो समानांतर सरकार बनी थी, पैरेलल गवर्नमेंट, उससे भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। अगर उसके बाद जाकर के अगर आप देखें तो आजाद दस्ता जो कि 42 की क्रांति में 2 लाइन में चर्चा करते थे, उससे एक अलग से शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। महिलाओं का योगदान, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स, उससे भी एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हुए थे, कुछ घटना हुई थी, जैसे सचिवालय कांड हुआ था, तो सचिवालय कांड को पहले 400 शब्द में नहीं लिखा जा सकता था, 42 की क्रांति के एक भाग के रूप में 2 लाइन में चर्चा करते थे। लेकिन अब जो सचिवालय कांड है, वो सचिवालय कांड को आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में 70 से 80 शब्द में आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे उससे पूछ सकता है, आजाद दस्ता से डायरेक्ट पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स। तो अब देखिए कैसे दायरा बढ़ा है टॉपिक का, और कैसे ईमानदारी से इन सभी टॉपिक को हमें शॉर्ट नोट्स को भी तैयार करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए पटना कलम पूछा जाता रहा है, 4 कला हम लोग पहले से याद करके जाते थे, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला। लेकिन अब जो क्या है कि अब खुल गया है ये दायरा, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम डायरेक्ट नहीं पूछ करके पटना कलम पूछ लिया। अब हो सकता है कि मधुबनी पेंटिंग डायरेक्ट नहीं पूछ करके मधुबनी पेंटिंग का एक छोटा सा भाग पूछ दे अरिपन, राइट, छोटा सा एक भाग शॉर्ट नोट्स, तो अरिपन पे 70-80 शब्द में लिखा जा सकता है, जिसको चावल से कूट करके, चावल को कूट करके पानी में भिगो करके और उससे जो जमीन पे बनाए जाते हैं उसको अरिपन कहते हैं। उसके भी विभिन्न प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स देखिए कैसे बनेंगे। ठीक उसी तरह से देख लीजिए, पहले जब आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता था तो सीधे सीधे मौर्य कला पे ही पूछ लिया जाता था, पूरा मौर्य कला आपको याद कर लेते थे, मौर्यन आर्किटेक्चर भी याद कर लेते थे, मौर्यन जो है वो केव आर्किटेक्चर भी याद कर लेते थे, उसके बाद जाकर के मौर्यन से रिलेटेड जो पॉटरी वगैरह सब थे उसको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मौर्य का संबंध बिहार से है। अब क्या है कि इन्हीं टॉपिक में से जैसे मौर्य कला है, पाल कला है, ठीक है, उसके बाद जाकर के इनके एक पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे अगर पूछ ले क्या कहते हैं उसको, पाल काल के दौरान मूर्तिकला, राइट, पाल काल के दौरान अगर मूर्तिकला पूछ ले तो आपको
उस मूर्ति कला को ध्यान से देखना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछ लिया प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहा का विकास। तो प्राचीन काल में पूर्वी भारत का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे क्या है, पूर्वी भारत का मतलब है ईस्टर्न इंडिया का मतलब है, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है बिहार की। और प्राचीन काल का मतलब किसकी बात हो रही है, बात हो रही है मौर्य काल की। तो मौर्य काल में आप सीधे सीधे देखते हैं कि आपको दो व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक अशोक, सम्राट अशोक, जो कि जिन पे बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस है, और दूसरा उनका पौत्र दशरथ, जिन पे किसका है, आजीवक संप्रदाय है। और इन्हीं दोनों के द्वारा जो जहानाबाद और गया के आसपास के क्षेत्र है वहां पे गुफा का निर्माण कराया गया था और ऋषि मुनियों को दान में दिया गया था। तो अब देख लीजिए खुल गया, आप सीधे सीधे मौर्य कला ने पूछ करके क्या है कि वो शॉर्ट नोट्स में भी किसी एक पार्ट को उठा के पूछ सकता है। तो इसका मतलब है कि पहले से जो पुराने स्टूडेंट जो पहले से मेंस पढ़े हुए, जिन्होंने 400 शब्द में तैयार किया हुआ है उस टॉपिक को, उसको तोड़ तोड़ करके उनके एक एक पार्ट को वो देख ले, चेक कर ले कि क्या मेरे पास सफिशियंट कंटेंट है। अगर उसको तोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अगर मौर्य काल में सिर्फ और सिर्फ पोटरी अगर पूछ ले, मान के चलिए ठीक है, तो इसका मतलब सीधे सीधे हो जाएगा कि फंसेगा स्टूडेंट, तो उसे शॉर्ट नोट्स तैयार करके चलना पड़ेगा। इसी तरह से मंदिर निर्माण कला भी पूछा जा चुका है, तो शॉर्ट जैसे ही शॉर्ट नोट्स को इंक्लूड किया, वैसे आपको अब और ज्यादा गहन अध्ययन करने और अपने टॉपिक को आपको बढ़ाना है, लिस्ट ऑफ टॉपिक आपका अब बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए इतने भाग में, और सबसे बड़ी बात है कि ये कंपलसरी है, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जाकर के देखिए स्कोरिंग भी है। तो इसमें यह है कि या तो आपका छूट जाएगा, और अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो छूट जाएगा, और छूटेगा तो फिर कंपटीशन कितना टफ है आपको पता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ऑप्शन दे दिया इन्होंने कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, लेकिन दोनों में से एक करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी दोनों में से एक ही करना है, ए बी कर दिया। चलिए ये थोड़ा सा सुविधा कर दिया स्टूडेंट्स के लिए कि आपके पास 4 में से 2 लिखने हैं, आपको दोनों में से कोई एक आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें भी अब क्या हुआ कि बीपीएससी ने अब टॉपिक चेंज किया, जैसे टेक्निकल एजुकेशन पूछ रहा है, इसका मतलब यह होगा कि पहले जो परंपरागत रूप से पूछा जाता था सीधे सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन आते थे, अब क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन कौन कौन से डेवलप हुए, एकदम एक से आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, एजुकेशन ब्रिटिश काल में कैसा था उस पर करना पड़ेगा, रोल ऑफ वुमेन करना पड़ेगा, ठीक है, रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट हुए थे उस पर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके टॉपिक के दायरे बढ़ गए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ गया। और देखिए आर्ट एंड कल्चर में गांधी नेहरू टैगोर तो पूछता था, तो चलिए परंपरागत टैगोर ही इस बार पूछा है, ठीक है, मान के चलिए टैगोर के ही बारे में पूछा है। लेकिन ये जो पूछा है देख लीजिए प्राचीन काल में उत्तर भारत में, तो आपको पता है कि मंदिर निर्माण की जो कला है, मंदिर निर्माण की कला है गुप्त काल में शुरू होती है, मंदिर निर्माण की प्रथा जो है वो गुप्त काल में शुरू होती है, और भारत में बिहार के क्षेत्र में भी गुप्तों का शासन रहा था, और उस दौरान जो है वो मंदिर निर्माण जो है वो पूर्वी भारत पूछ रहा है, उत्तर भारत पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि भारत में, प्राचीन भारत में 3 प्रकार की शैली थी मंदिर निर्माण की, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में बात करें तो नागर शैली थी, दक्षिण भारत की बात करें एकदम पूरा डाउन साउथ की बात करें तो वहां पे द्रविड़ शैली थी, और बीच वाला जो भाग था वहां पे वेसर शैली थी। तो सीधे सीधे उसने नागर नहीं पूछ करके नॉर्थ इंडिया पूछ दिया है। तो अब आपको आर्ट एंड कल्चर में पहले क्या होता था कि कुछ टॉपिक को याद करके जाते थे, अब आर्ट एंड कल्चर में आपको आपको मंदिर निर्माण कला से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, उसमें से बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया में है नागर शैली वगैरह सब, उसको अच्छे से जानना पड़ेगा कि उसमें कैसे मंडप बनते थे, उसमें चबूतरा कैसे बनते थे, मंदिर का जो छज्जा होता था वो किस प्रकार से होता था, ये टेक्निकल चीजें सब है। मंदिर निर्माण की जो सामग्री होती थी, मटीरियल होता था, ईंट से बनना शुरू हो गया था, ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेगी। यानी अब आपको एकदम से क्या करना, तो एकदम से आपको संभल करके चीजों को, एक एक टॉपिक को एकदम से ध्यान से समझते हुए अब आपको जाकर के आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे इस एरिया में। अब देखिए अब इसमें हमारा रोल होगा, देखिए सारी चीजें मैं क्वेश्चन पे ही आकर के इसी बता रहा हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पे आकर के चीजों को आप समझते हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या रोल होगा, देखिए तो ये रोल होगा बिहार एकेडमी का, इसमें क्या रोल होगा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। बिहार सिविल एकेडमी आपको पता है कि मोबीशाला, जो कि देश का जाना माना
ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म रहा है और बहुत सारे कोचिंग संस्थान को ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते थे, ठीक है, और कराते रहे हैं। तो एक जाना माना नाम था और हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म के तहत बिहार सिविल एकेडमी को शुरू किया है, आप लोगों को पता होगा। और इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोगों का क्या रोल होगा इसमें मैं बता दूँ, तो हम लोगों ने दो इस सब्जेक्ट के दो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट नहीं कह सकते हम लोग, प्रकांड विद्वान कह सकते हैं, दो टीचर को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है और दोनों ही विद्वान शिक्षक है और इन दोनों की काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाली है। दो शिक्षक देख लीजिए कौन है, एक है श्री आशुतोष झा सर, और दूसरे हैं श्री आर के झा सर। दोनों ही इतिहास के जाने माने शिक्षक हैं, आशुतोष झा सर प्रोफेसर हैं आपको बता दूं, और आर के झा सर जो है वो आईएएस में जो हिस्ट्री ऑप्शनल के टीचर हैं, और दोनों को हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर में दोनों की बहुत ज्यादा पकड़ है, बहुत बेहतर पकड़ है। और ये दोनों हम लोग के लिए, इन लोगों के पास समय नहीं है फिर भी दोनों हम लोग के लिए उपलब्ध हुए हैं, तो ये दोनों शिक्षक मिलकर के आपको ये सेक्शन कवर कराएंगे, ये पूरा एरिया कवर कराएंगे। और हम लोगों का जो इसमें मेथड होगा, दोनों सर से हम लोग जिन्हें जो मीटिंग की है, सर रेगुलर हम लोगों से बात भी करते रहते हैं, तो हम लोगों जो मीटिंग की है कब से स्टार्ट होगी क्लास, रविकांत जी कह रहे हैं आज से स्टार्ट हो चुकी है, रविकांत जी कल से क्लास भी होगी। मेंस के फीस को लेकर के भानु जी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए, थैंक यू भानु जी। चलिए आगे, तो दो टीचर हम लोगों के साथ जुड़े हैं दोनों सर, और ये आपको क्या है कि हम लोग का जो मेथड होगा पढ़ाने का तरीका वो ये होगा कि पहले हम लोग, जैसे ये टॉपिक है जैसे मंदिर निर्माण कला है, ठीक है, मान के चलिए मंदिर निर्माण कला है, तो टेम्पल आर्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें पहले क्या करेंगे, तो वो पहले आपको टॉपिक समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और अच्छे से जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो साथ साथ उससे जो जनरेट होने वाले क्वेश्चन है उसको जनरेट करके, यानी कि इससे जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को लिखा करके और उसके उत्तर भी साथ साथ क्लासरूम में लिखा दिया जाएगा। देखिए आपको बता दूं कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है, जिनका पीटी निकल रहा है उनके लिए भी, और जिनका मेंस पीटी नहीं निकल रहा है उनके लिए भी 2 ही महीने का अभी समय रहे। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर 2 महीना साथ में मेंस करेंगे, जिनका नहीं भी हो रहा है इस बार पीटी वो भी, क्योंकि उसके बाद फिर पीटी का सीजन आ जाएगा और फिर पीटी पे लग जाएंगे, तो ये जो 2 महीना मेंस की तैयारी हुआ रहेगा तो 69th वाले के लिए आसान हो जाएगा सिलेक्शन, और जिनका पीटी नहीं भी निकला है उनका 70वीं में सुनिश्चित हो जाएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो ये 2 महीना उसी मोड में अगर उन्होंने पीटी ये मेंस को पढ़ लिया तो जब 70वीं में वो पीटी क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के दौरान उनके पास रिवीजन के अलावा अगर देखें और आंसर राइटिंग अलावा और कोई काम नहीं रह जाएगा, वो आंसर राइटिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इसलिए साथ साथ वो लोग भी पढ़ेंगे, 70वीं वाले और 69 वाले सभी लोग साथ में मेंस पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो मेथड होगा, हिस्ट्री में दोनों सर से बात हुई है, ये आपको लेक्चर देंगे और लेक्चर के बाद जितने क्वेश्चन जनरेट होंगे उनके आंसर क्वेश्चन पहले लिखा करके उनके आंसर क्लासरूम में ही आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आप आंसर राइटिंग के फॉर्म में पहले दिन से ही आंसर राइटिंग के मोड में आ जाए। जैसा कि पहले भी मैंने मेंस में भी किया हुआ है, जितने भी बैच में मैंने मेंस पढ़ाया हुआ है तो मैंने हमेशा आंसर राइटिंग पे ही जोर दिया है, क्योंकि आंसर राइटिंग ही सबसे बड़ा सक्सेस का जो की है, सबसे बड़ी जो की है वो आंसर राइटिंग ही है। अब जाकर के देखिए जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स का सेक्शन, और इसमें क्या है कि करंट डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल तो इन्होंने दिया हुआ है इंपॉर्टेंस, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल के साथ ही इन्होंने हेडिंग में तो नहीं डाला है बिहार, लेकिन जब आप यहीं पर देखिए तो आत्मनिर्भर बिहार और 7 निश्चय स्पष्ट दिख रहा है। बिहार में सौर ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि सीधे सीधे सोलर पावर जनरेशन इन बिहार, अभी अभी बिहार में बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए देखे होंगे। उसके बाद जाकर के राइट क्या है, राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो इन बिहार, यानी 3 क्वेश्चन बिहार से, तो कहते तो उन्होंने दिया हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी आईआर से या नेशनल इश्यू से, लेकिन आप सामने में देख लीजिए कि 5 शॉर्ट नोट्स में जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन कह लीजिए उसको, तो उसमें से 5 में से 3 तो डायरेक्ट बिहार से है शॉर्ट नोट्स, यानी कि आप बिहार के करंट अफेयर्स को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं।
ठीक उसी तरह से तो देखिए ऐसे पूछा हुआ है, स्काउट्स और गाइड वाला जमुरी पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग के लिए तो ये एकदम से, जब हम लोगों ने देखा, हम लोग तो लगातार क्लास में कराते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा गया है, देख लीजिए, सतत विकास पूछा गया है, 16 उद्देश्य बिल्कुल। उसके बाद जाकर के देख लीजिए बिहार में ई सर्विस को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, सोलर को लेकर के, ये हम लोग वैसे भी करंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं, और 7 निश्चय में से एक पार्ट को मिला करके सुशासन कार्यक्रम की विशेषता उसमें से पूछ लिया है, देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें नेशनल, इंटरनेशनल और उसके बाद जाकर के बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसमें देख लीजिए विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस से रिलेटेड पूछ लिया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप की बात की है, उस पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ। और एक क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे सीधे सीधे आ गया है, यानी कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन करंट इशू की में चर्चा होने की वजह से, ये पॉलिटिकल इशू होने की वजह से सीधे सीधे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट इंडिया को लेकर के जो अभी चर्चा में रहा था, आपने देखा होगा कि कुछ बयानबाजी भी हुई थी कानून मंत्री को लेकर के भी, तो एकदम से ये चर्चा में थी, इसलिए पूछा गया था। ठीक उसी तरह से देखेंगे यहां पे तो ये वाला, जैसे दिल्ली में G20 होने वाला था, उस समय जब क्वेश्चन हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि G20 से क्वेश्चन इस बार 69वीं के पीटी में भी पूछा है और सक्सेसफुली इंडिया ने करा लिया है। तो आफ्टर सक्सेस, यानी G20 का जो समिट इंडिया में सक्सेसफुल है, उसके बाद क्या क्या संभावना भारत के लिए द्वार खुले हैं, यानी अभी भी G20 जो है मेंस में पूछे जाने की संभावना होगी, ये ठीक है। इसमें एक और जो सक्सेसफुल तो आगे की उम्मीद है कि अब आगे इससे भारत को क्या क्या फायदा, क्या क्या हुआ है फायदा, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी भी G20 खत्म नहीं हुआ आपका, दिसंबर में मेंस होना है, आपको पता है, ठीक है। उसी तरह से अगर देख लीजिए तो सीरिया और टर्की भूकंप आया और भूकंप से जोड़ करके डिजास्टर से क्वेश्चन पूछ दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब ऐसा वो दौर खत्म हो गया जब आमतौर पर पुराने तरीके से पढ़ाए जाते थे कि पूरा 2-3 महीना मेंस पढ़ाएंगे और जब एग्जाम का 15 दिन बचेगा तो किसी टीचर को बुला करके, ठीक है, किसी टीचर को बुला करके 10 दिन का हम लोग करेंट अफेयर्स का करा देंगे लेक्चर, वो सफिशियंट नहीं है और वो तरीका भी सही नहीं है, आपको बता दूं। अब जो हमारे लिए तरीका बेहतर ये होगा कि हम लोग डे फर्स्ट से ही करंट को भी पढ़े। कहने का मतलब ये होगा कि पहले दिन से ही एक सेशन जो है हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार से रिलेटेड करंट इश्यूज पे डेली एक लेक्चर होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बाकी लोगों से अलग किया है, और क्या अलग किया है देख लीजिए। तो हम लोगों ने ये अलग किया है कि हम लोगों का जो शेड्यूल होगा उसमें मंडे टू फ्राइडे वाला जो शेड्यूल होगा, वीकेंड जो क्लासेस चलेगी, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ सर हैं जो बहुत ज्यादा बिजी है IAS वाले में और अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो वो सैटरडे संडे को अवेलेबल होंगे अपने सब्जेक्ट लेकर के एक दो टीचर, और बाकी जो मंडे टू फ्राइडे वाला जो हमारा शेड्यूल चलेगा उसमें मेरा जो 4-6 डेली का, जो 4-6 PM का होगा, उसमें डेली नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड जो करंट इश्यूज होंगे, स्कीम्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, जो न्यूज में रहेंगे, उस सबको डेली पढ़ाएंगे और आंसर राइटिंग के फॉर्म में पढ़ाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी लिखवाएंगे। जैसे आपने देखा कि 52 आर्ट एकदम से चर्चा में आ गई, मिथिला हाट चर्चा में आ गई, तो उन पे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे हम लोग, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई, जैसे गयाजी डैम आ गया मान के चलिए, हर घर गंगा जल आ गया, तो ये सब शॉर्ट नोट्स के टॉपिक है, देख लीजिए। जैसे 7 निश्चय से पूछा है, सौर वाला पूछ लिया है, इसी तरह से बिहार में थर्मल पावर को लेकर के डेवलपमेंट हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के बिहार में बात हो रही है, उसके बाद जाकर के अगर आप देखेंगे तो बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, तो ये सब शॉर्ट नोट्स में बनेगा। यानी कि करंट ऐसा नहीं है कि लास्ट 10 दिन में लेक्चर देने पे बन जाएगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अभी पूरा 2 महीना जो है, सो डेली आपका 2 घंटा मंडे टू फ्राइडे जो है नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसे मैं पूरा कराऊंगा आप लोगों को, और टॉपिक डिस्कशन के साथ साथ उस पर भी आंसर राइटिंग होगी, और ये जो आंसर राइटिंग होगी, ये आंसर राइटिंग जो है वो डेली होगी आप लोगों की, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो हम लोगों से नहीं जुड़े हैं मेंस प्रोग्राम में, वो स्टूडेंट चाहे तो इस सिर्फ इस सेक्शन के लिए, ये इकोनॉमी को भी कवर करेगा आपको बता दूं, क्योंकि इकोनॉमी में भी प्रोजेक्ट्स और स्कीम से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी में तो प्रोजेक्ट और स्कीम से जुड़े हुए जो, और पॉलिसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोजेक्ट, स्कीम और पॉलिसी जो जितनी भी न्यूज में आएगी सबको हम लोग इसी सेक्शन में डिस्कशन कर लेंगे, तो आपका वहां करेंट का जो टॉपिक भी है वो भी आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। करंट का भी आपका जो टॉपिक है वो आपका अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो
के लिए अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसका मॉड्यूल कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है। आप कॉल करके मैसेज करके बात कर लीजिए। आपने पहले अगर कहीं पे 67वीं या 68वीं मेंस पढ़ा हुआ है या 69वीं के दौरान आपने पढ़ लिए थे पहले ही, तो आपको इस सेक्शन के लिए और इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है जिसमें बहुत सारी चीजें अपडेट होती है आपको पता होगा, तो ये सिर्फ करेंट अफेयर्स का जो सेशन है नेशनल इंटरनेशनल बिहार और इकोनॉमी से रिलेटेड करेंट, उसका आप अलग से भी एक सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये 4 से 6 डेली चलेगी, मैं इसमें कवर कराऊंगा, ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, और ये 4 से 6 मंडे टू फ्राइडे ये सेशन आपका चलेगा। ठीक है, आगे एक मिनट, चलिए तो देखिए यहां पे क्या क्या पूछा है करंट को लेकर। तो हमारा इसमें जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी मैं आपको बता दूं, ये चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं ये सेक्शन, तो यहां पे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता दूं। यहां पे हमारा ये होगा कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, अब देखिए जनरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते, और पढ़ भी लेते हैं तो फिर उनको वो प्रॉपर ट्रांसलेट करके उसको वो कंटेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, नोट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो PIB है, उसके बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन होती है उस पब्लिश होती है। उसके बाद जाकर के दैनिक जागरण का जो नेशनल इशू है, उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, तो उसके अलावा योजना, और उसके बाद जाकर के कुरुक्षेत्र, उसके बाद संसद TV। देख लीजिए BPSC ने भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है तो हमें भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। संसद टेलीविजन, ठीक है, संसद TV, इन सब में जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे संसद TV डिबेट हो, उसके बाद कुरुक्षेत्र के आर्टिकल हो, योजना के आर्टिकल हो, दैनिक जागरण का नेशनल इशू आने वाला कोई आर्टिकल हो, PIB में पब्लिश होने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स को भी हम लोग ले लेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, BPSC ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है तो हम लोग भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, और ये सब मैं कवर कराऊंगा डेली आपको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होगा। ऐसा नहीं होगा कि न्यूज का आर्टिकल एक ले लिया स्क्रीनशॉट और उसको ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन कर रहे हैं ये ब्ला 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 दैट दिस दैट दिस दैट, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर उसने कोई भी स्कीम पे, गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी पे कोई आर्टिकल पब्लिश हुई है, तो उस आर्टिकल को समझने के साथ ही उससे जो क्वेश्चन जनरेट होने वाला है, जो क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो शॉर्ट नोट्स बने चाहे फुल लेंथ का क्वेश्चन बने, तो उसके एक स्टैंडर्ड आंसर क्या होंगे जिसमें सारे डायमेंशन होने चाहिए इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक, वो क्लास में नोट डाउन कराया जाएगा दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में। बहुत क्रूशियल होने वाला है ये क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आप लोगों के लिए, पता है। तो ये अब देखिए GS पेपर जो 1 है उसका 3rd सेक्शन क्या है, तो उसका जो 3rd सेक्शन है वो है सांख्यिकी विश्लेषण, आरए चित्रण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डायग्राम, और जाकर के इसमें मेन जो है इलस्ट्रेशन कह लीजिए, या मेन अगर इसमें हम लोग देखें तो कुछ लोग डाटा इंटरप्रिटेशन या DI कहते हैं, ठीक है, DI सेक्शन भी है इसमें, क्योंकि DI से रिलेटेड। अब देखिए इसमें भी BPSC ने टॉपिक में कोई बदलाव नहीं किया है, इसमें BPSC ने चूंकि ये पूरा का पूरा जो देखे तो ये स्टैटिक पोर्शन ही है, ठीक है। वाल्मीकि जी स्वागत है आपका, बबली स्वागत है आपका, ठीक है, स्वागत है आप लोगों का, ठीक है, थैंक यू लव यू, चलिए धन्यवाद आप सभी को। तो इसमें हमें क्या करना है देख लीजिए, तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो इंक्वायरी चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ भी, तो वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा भी नंबर है उसमें मेंशन किया हुआ है, मैं भी अपना नंबर शेयर कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों के साथ ये है कि छात्रों के साथ हम लोग जितना जुड़े हुए रहते हैं उतना हम लोग बेहतर महसूस करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट 10 बजे अगर किसी कोई दिक्कत आ रही है और अगर 10 बजे मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मैं उसी समय रिप्लाई करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनल, ठीक है। जब तक मैं शिक्षक के रूप में काम करता रहूंगा, एज ए टीचर जब तक मैं इस फील्ड में रहूंगा, तब तक मुझे छात्रों के कॉल या मैसेज से कोई परेशानी नहीं, ठीक है, क्लियर है।
सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, किसी की बुराई, लेकिन एज ए टीचर मैं खुद अपना अगर मैं बात करूं तो जब तक मैं इस फील्ड में हूं और जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को, तब तक मैं अपने छात्रों के कॉल या मैसेज से परेशान नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अपना नंबर भी इसीलिए मैं शेयर कर देता हूँ, जनरली लोग यूट्यूब पे नहीं शेयर करते अपना नंबर, मैं शेयर कर दूंगा, आपको कभी भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई कंटेंट चाहिए, नहीं भी एडमिशन लिया है, कुछ नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, कभी मॉडल आंसर चाहिए कि नहीं इस टॉपिक पे मुझे सर कैसे लिखना है ये मुझे नहीं पता है, तो उस टॉपिक का एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है वो भी मैं PDF आपसे शेयर कर दूंगा, किसी निबंध को कैसे लिखना है, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है क्या लिखाएगा उसमें, ठीक है, कोई भी टॉपिक पे निबंध कैसे लिखा जाता है, सबका जो मॉडल ऐसे वगैरह है, मॉडल आंसर है, 52 बूटी कला पे अगर आपको नोट्स लिखना पड़ जाए शॉर्ट नोट्स तो कैसे लिखेंगे, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप लोग बस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से अपना नंबर, अभी आप लोग सेशन से जुड़े रहिए, मैं अपना नंबर भी, जो स्टूडेंट नए हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके पास सबके पास मेरा नंबर है, बाकी जो स्टूडेंट है उनको मैं नंबर शेयर कर दूंगा। तो देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी पेपर 1 का जो 3rd सेक्शन है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, डायग्राम है और DI वगैरह सब जो है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस उसमें बदलाव यह किया गया है कि अब इसमें क्या किया गया है कि एक प्रश्न पूछा जाता था और बड़ा सा डायग्राम होता था और उस पर आधारित क्वेश्चन होते थे, बड़ा सा चार्ट होता था, बार डायग्राम हो या पाई चार्ट हो या फिर बड़ा सा कोई एक चार्ट हो या टेबल हो, और उस टेबल पे आधारित एक बड़ा सा प्रश्न पूछ लिया जाता था। अब BPSC ने क्या किया है कि एक जैसे एक टेबल दे देगा और उस टेबल को समझने के बाद उस पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, ये देख लीजिए कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 नंबर का है ये, और 6 क्वेश्चन, 6 के 6 क्वेश्चन आपको इस टेबल समझ पर आधारित है, यानी इस टेबल पे, तो इस टेबल को केयरफुली आपको पढ़ लेना है, 2-3 बार समझ लेना है, और जब 2-3 बार इस टेबल को समझ लेंगे तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके इसके आंसर देना आसान हो गया। तो स्टैट्स पहले की तुलना में अगर आप देखें तो अब आसान हो गया है, पहले बड़े बड़े जो सवाल होते थे उसको बनाना पड़ता था, माना कि ये माना कि वो, सब कुछ करके इसको इतना मिला उसको इतना मिला तो इसको इतना बचा, आपको पूरे सवाल बनाने पड़ते थे सांख्यिकी के 2 से 3 पेज में, अब आपको वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी, अब आपके लिए आसान हो गया है। अगर इसमें से कोई एक नहीं आया तो आपके सभी के मार्क्स नहीं कटेंगे, आप 6 में से अगर 4 सही भी हो गया, आपका 2 गलत हो गया, तो इनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इनके नहीं मिलेंगे, तो आपको टेबल पे बेस्ट इसी तरह से देख लीजिए, इसी पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ बना दिया, एक ग्राफ दे दिया और उस ग्राफ पे बेस्ट जो है यहाँ पे 5 से 5 सवाल दे दिया इन्होंने। ठीक है, ग्राफ पे आधारित जो है 5 सवाल दे दिया इन्होंने, अलग अलग मार्क्स कर दिया, मार्क्स कर दिया। ठीक उसी से यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे एक बार डायग्राम दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, और फिर उस पे आधारित उसको पढ़ने के बाद छोटे छोटे जो है सब 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, किसी क्वेश्चन का अगर गलत भी हो गया तो बाकी के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पहले के तुलना में ये भले ही इसमें वेरिएशन आ गई है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन अब पहले क्या था कि एक बड़ा सवाल पूछ दिया और वो बड़ा सवाल अगर आपका गलत हो गया तो पूरा का पूरा वो सवाल, और उस समय आपको बता दूं कि सीधे सीधे क्या होता था कि ये जो बड़ा सा सेक्शन है 72 अंक का, उसमें से 36 अंक तो वैसे चले जाते थे, अगर एक बड़ा सवाल पूछा और आपका नहीं बना तो इसका मतलब या गलत हो गया, उसका आंसर नहीं निकला, तो पूरे 36 अंक गए। अब ऐसा नहीं है, एटलीस्ट अगर उसमें से 5 पूछे गए हैं शॉर्ट्स में, तो उसमें से अगर 3 या 4 आपने सही कर लिया, एक गलत भी हो गया, तो आपका पूरा मार्क्स तो नहीं कटा, एक ही का 6 अंक का कटा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं यहाँ पे तो अब आपके लिए ये ज्यादा आसान हो गया। अब इस सेक्शन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस सेक्शन का ये जो आपका सेक्शन होगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात कर ले या DI की बात कर ले, तो इसमें भी हम लोगों ने 2 एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़े हैं, दोनों विद्वान है आपको बता दूं, इसमें भी हम लोग 2 शिक्षकों से, ताकि दोनों के मेथड को, दोनों की तकनीक को, एक युवा और टैलेंटेड टीचर है MD शर्मा सर है, उनका आपको लेक्चर मिलेगा और वो आप लोगों को सवाल को सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में 2 टीचर आप लोगों को अपनी सेवाएं देंगे और आप लोगों को अपना जो अनुभव है उसके आधार पर आपको एकदम बेटर और एकदम बेहतर पेपर को ऐसे समझाएंगे और पढ़ाएंगे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 2 शिक्षक है, एक युवा टीचर है, युवा और विद्वान टीचर MD शर्मा सर हैं, और उसके बाद जाकर के मुखर्जी नगर में CSET के सबसे एक्सपीरियंस टीचर, मुखर्जी नगर में जब CSET 2011 में IAS में इंक्लूड हुआ था उस समय CSET के पहले टीचर और आज भी IAS में, ये दोनों टीचर जो है वो IAS के CSET के टीचर है, और उन दोनों में से एक दूसरे हैं ध्रुव सिंह सर। ठीक है,
अभी पीटी में आपने देखा होगा वो मैथ सॉल्व करवा रहे थे आप लोगों से, तो ध्रुव सिंह सर, तो ये दोनों सर आप लोगों को ये वाला सेक्शन कवर कराएंगे, साथ साथ सॉल्व भी कराएंगे और एकदम से उस मेथड से सॉल्व कराएंगे जिस मेथड से जिनका कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ की किताब को छुआ भी नहीं है, उनको भी लगेगा कि इजी है ये, तो पूरा का पूरा 72 अंक जो है मैं आसानी से ला सकता हूं या ला सकती हूं, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो एमडी शर्मा सर और ध्रुव सर जो है दो टीचर मिलकर के आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेक्शन कवर कराएंगे। तो ये तो हो गई हम लोगों की पेपर 1 की बातें, देखते हैं कौन कौन से नए स्टूडेंट जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। ठीक है नागेश्वर जी, आप लोगों का सभी का स्वागत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो फी को लेकर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं भी अपना नंबर आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो या कोई पीडीएफ चाहिए मॉडल आंसर का, मॉडल एसे का, वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है चलिए, तो पेपर 1 तो ये हो गया हम लोगों का, तो पेपर 1 में हम लोगों ने 3 सेक्शन की बात कर ली और इसमें ये जो 3 सेक्शन है इसमें एक्सपर्ट है दोनों सर, तो वो आप लोगों को एकदम पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी कि क्या क्या करना है, हमें कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की, यानी अगला जो पेपर 2 है जो कि 300 अंक का है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जनरल स्टडी पेपर जो 2 है आपका, जनरल स्टडी पेपर जो 2 है उसकी बात करें तो ये भी 300 मार्क्स का है और इसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि एकदम से घबराए हुए हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि घबराए हुए हैं कि देखिए बीपीएससी हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ नया चेंज कर रहा है, कभी पीटी में ऑप्शन ई जोड़ रहा है, कभी ऑप्शन ई हटा दे रहा है, कभी इनमें से कोई नहीं इनमें से एक से अधिक वाला खेल खेल रहे हैं, कभी मेंस में खेल खेल देते हैं, कभी इस बार पीटी में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दे गए कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में ही उनका समय निकल गया, तो इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन आप खुद भी तो ये चीज सोचिए कि क्या जो समय बदल रहा है उसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बदलना चाहिए? अब आप देखेंगे तो आईएएस और पीसीएस में एक लंबा गैप हो गया था, 2011 के बाद आईएएस ने अपना स्टैंडर्ड इतना बढ़ा लिया कि एक आईएएस अधिकारी और एक पीसीएस अधिकारी के बीच में बहुत गैप हो गया था। बीपीएससी अभी भी पुराने पैटर्न पे चल रहा था, एक लंबे समय से 42वां 41वां 38वां से कोई बदलाव नहीं, वैसे चल रहा है। और आईएएस में हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो आईएएस और पीसीएस के बीच में इतना गैप हो गया था कि जो पीसीएस अधिकारी जो आ रहे थे वो उस स्टैंडर्ड के नहीं थे, और इसीलिए जो अभी के अध्यक्ष महोदय हैं वो चाहते, हालांकि उनका एक परिवर्तन से मैं असहमत हूं और वो ये है कि जो परिवर्तन आपको करना है वो एक बार में कर दीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया करके और सडनली करके आप बिना पहले से कोई इन्फॉर्मेशन दिए हो इस तरह के बदलाव ना करें। यही स्टूडेंट है, सब पढ़ लेंगे, पढ़ाने वाले भी पढ़ लेंगे, पढ़ा लेंगे और पढ़ने वाले भी पढ़ लेंगे, बस ये है कि जो परिवर्तन करना है एक बार बैठ करके सारी चीजें कर लीजिए और उसके बाद जाकर के जितना चेंजेस करना है उसको करके पब्लिक डोमेन में आप डाल दीजिए कि हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है, हम आपसे इस तरह के इस स्टैंडर्ड की उम्मीद करते हैं आपसे, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, आपके पास अब पर्याप्त समय है। एकदम से रोज कुछ ना कुछ चेंज करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब ये है कि अब उसमें किया तो कुछ नहीं जा सकता है, ये अध्यक्ष है, बॉस इज ऑलवेज बॉस, राइट? तो चलिए, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और खास करके आप अगर बिहार के हैं, बिहारी हैं, तो फिर आपको क्या घबराना है, आप उसी धरती के हैं जहाँ के जीतन राम, जहाँ के अगर दशरथ मांझी हुए थे, चलिए जीतन राम मांझी जी भी महान है, चलिए तो जहाँ के दशरथ मांझी हुए थे, और कहते हैं कि एक मैंने ही लिखा है बिहार के छात्रों के लिए कि जीवन में आए मुश्किलों से नहीं घबराता है बिहारी। ठीक है, जीवन में अगर बार बार बदलाव आ रहा है तो क्या इससे परेशान होना है, जो चेंज आएगा देखा जाएगा हमें। ठीक है, तो कहते हैं कि जीवन में आए मुश्किलों से नहीं घबराता है बिहारी, मुसीबत में तो और अधिक निखर आता है बिहारी। जीवन में आए मुसीबतों से नहीं घबराता है बिहारी, ठीक है, मुसीबतों में तो और अधिक निखर आता है बिहारी, दूसरों के बनाए रास्ते पे तो और लोग चला करते हैं, दूसरों के बनाए रास्ते पे तो और लोग चला करते हैं, पहाड़ों को तोड़कर अपने लिए खुद रास्ता बना लेता है बिहारी। तो आप उसी धरती से हैं, उसी बिहार की धरती से है, तो आपको क्यों परेशान होने की जरूरत है, यहीं से हल निकलेगा, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यहीं से निकल करके आएगा। ठीक है, तो एकदम परेशान नहीं होना है। और जनरल स्टडी 2 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए जनरल स्टडी पेपर 2 में इन्होंने क्या किया है, तो 4 सेक्शन को मर्ज किया इन्होंने। 4 सेक्शन कहने का मतलब है कि 4 सेक्शन थे इनके पास,
तो इन्होंने क्या किया कि उनको मर्ज कर दिया। तो जो चार सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है उसको सेपरेट रखा है, इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी वहां पे भी एक पूछ लिया था, इसलिए पूछ लिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और वाइस प्रेसिडेंट वाला इशू चर्चा में था। तो करंट में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक इशू भी उठा सकता है, साइंस टेक भी उठा सकता है, करंट का दायरा असीमित है। यहाँ पे प्योर पॉलिटी होगा और ये पॉलिटी जो है वो प्रैक्टिकल होगी। देखते हैं पॉलिटी किस तरह से पूछा है, इसमें भी इन्होंने क्या किया है पॉलिटी में भी। तो इन्होंने इसमें भी पहला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में मेंशन किया है, देख लीजिए। और जैसे ही शॉर्ट नोट्स, मैंने कहा कि जैसे ही शॉर्ट नोट्स आया वैसे आपके लिस्ट ऑफ टॉपिक बढ़ गए, यानी कि अब आपके कुछ जो बड़े क्वेश्चन बनते थे जैसे बिहार में चुनाव में जाति की भूमिका, चुनाव में धर्म की भूमिका, राजनीति का अपराधीकरण, ठीक है, ये सब टॉपिक जो होते थे वो परंपरागत टॉपिक था क्योंकि ये बड़े टॉपिक थे जिस पे 400 शब्द लिखा जा सकता था, राइट। शॉर्ट नोट्स नहीं था इसीलिए छोटे-छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता था वो, तो इसीलिए आपको सीमित टॉपिक, यानी आयोग के पास हाथ पैर बंधे हुए थे क्वेश्चन वाले बनाने वाले के पास, क्योंकि वो वही क्वेश्चन पूछ सकता था जिसमें वाकई में 400 शब्द में लिखा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहां पे भी शॉर्ट नोट्स इंक्लूड कर दिया, वैसे अब क्या है कि एक छोटा सा जो मुद्दा है उस पे भी शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, राइट। जैसे मान के चलिए कि उनका मन हो जाए कि तारांकित प्रश्न, ठीक है, आपको पता होगा तारांकित और अतारांकित प्रश्न जो होते हैं वो सेशन के, पार्लियामेंट सेशन के दौरान होते हैं, तो उस पे भी 40-50 शब्द 60 शब्द लिखा जा सकता है। तो अब दायरा बड़ा हो गया, कहने का मतलब हुआ कि लिस्ट ऑफ टॉपिक जो है अब आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन के अलावा जो छोटे शॉर्ट नोट्स है वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, गत्यात्मक धर्म निरपेक्षता, ठीक है, क्या पूछ दिया है, क्रिटिकली द डायनामिक सेकुलरिज्म। तो डायनामिक सेकुलरिज्म का सीधे सीधे मतलब है, पॉलिटी वाले सर बताएंगे कि जिस तरह से धर्म निरपेक्षता के परिभाषा में उसके व्यवहारिक रूप में बदलाव आ रहा है उसको लेकर के सीधे सीधे शॉर्ट नोट्स पूछ लिया है। उसके बाद जाकर के क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका कैसे निभाती है, रीजनल, जो बिल्कुल इस पे एकदम नए करंट वाले एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। उसके बाद आप देख ही रहे कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, कई सारे रीजन पार्टियां हैं जो अपने रीजन में क्षेत्रीय छत्रप की भूमिका में है, तो उनसे जोड़ करके शॉर्ट नोट्स लिखना अब आसान काम नहीं है, इसके लिए पर्याप्त प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, सीधे सीधे अगर देखेंगे तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द सीधे सीधे पूछ दिया है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद जाकर के अगर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का एक चार्टर के रूप में है भारतीय संविधान का, जो सकारात्मक निर्देश में है, सीधे सीधे ऐसे करके पूछा हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, वो लगातार चर्चा में है, अभी देख ही रहे हैं आप, जुडिशियल रिव्यू बार बार हर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग जा रहे हैं, सरकार के कोई भी कार्य होते हैं तो कुछ लोग जो है, कुछ एनजीओ, कुछ और सामाजिक जागरूकता से जुड़े हुए लोग हैं, समाज सेवा से या अन्य मुद्दों से जुड़े हुए लोग, विपक्षी लोग बार बार जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो जुडिशियल रिव्यू का बार बार मुद्दा उठ रहा है। अभी 370 एक बहुत बड़ा इशू था सुप्रीम कोर्ट में, एक लंबे समय तक डिबेट चली है, देख ही रहे, तो शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारी चीजें करंट से जुड़ा हुआ है, पिछले दशक में राजनीतिक संस्कृति में बिहार में क्या सुधार है, देखिए पॉलिटिकल बिहार भी जोड़ दिया है, बिहार क्या क्या चीजें सुधार हुई है उसको लेकर के, पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आ रहा है उस पे। तो अब क्या है कि अब दायरा बड़ा हो गया, अब जो है क्षेत्रीय परिषद से अभी चर्चा है ही, सेंटर के साथ डिस्प्यूट हुआ था, कुछ मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में भाग लेने से मना कर दिया था, देखा होगा आपने, या किसी न किसी बहाने नहीं आए थे, तो टकराहट बढ़ी है, तो उस पे भी एक मुद्दा बन गया है, देख लीजिए। तो इस तरह से अब क्या है कि शॉर्ट नोट्स के आने के बाद और उसके बाद जो पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव आया है उसकी वजह से जो करंट को जोड़ करके पूछा जा रहा है, तो आपको दूसरी जगह क्या होगा, यहाँ पे तो पॉलिटी वाले टीचर पूरा पॉलिटी पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, फंडामेंटल चीजें बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी बताएंगे, साथ साथ अगर कोई ऐसा इशू, पॉलिटिकल इशू जो एकदम से चर्चा में होता है, तो मैं अपने करंट वाले सेशन में उसको लेकर के आऊंगा, और जब वहां पे उसकी पर्याप्त चर्चा हो जाएगी तो आपका जो कंटेंट है वो एकदम से अपडेट रहेगा। यानी कि आप जो, अगर आपको राजनीति से जुड़ा हुआ, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो, या चाहे उससे जुड़े हुए जो कोई अभी इशू चल रहा हो, उस पे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट एग्जांपल मिल जाएगा, यानी धर्म का राजनीति में भूमिका, जाति की भूमिका या अन्य जितनी भी चीजें होती है क्षेत्रीय परिषद की बैठक, उसमें जो सबसे लेटेस्ट वाला एग्जाम्पल है और लेटेस्ट वाला जो कोई डाटा है या फैक्ट है उसको आपको मेंशन करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से अगर आप रेगुलर करेंट पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके साथ कवर हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से देख लीजिए, ये हो गया आपका सेक्शन वन, यानी कि पॉलिटी वाला सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में कौन एक्सपर्ट होंगे आपको बता दूं, तो इंडियन पॉलिटी में दिल्ली के मुखर्जी नगर के जाने माने टीचर नितिन कुमार सर,
या कुमार नितिन सर कह लीजिए। तो नितिन कुमार सर की बात करें तो सर आईएएस में पढ़ाते हैं और पीएसआईआर यानी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन एज ए ऑप्शनल ये पढ़ाने वाले टीचर हैं सर, विद्वान व्यक्ति हैं। तो सर आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाएंगे। अभी प्रीलिम्स जो 69th का बैच हुआ था उसमें उन्होंने पढ़ाए थे और वो हमारे यहाँ के ऐसे टीचर हैं जिनके क्लास नोट्स से, ठीक है, जिनके क्लास नोट से पीटी में सभी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के, ठीक है। उन्होंने जो पॉलिटी पढ़ाया था अभी 69th वाले पीटी में, तो सारे क्वेश्चन आए हैं। तो सर ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस का आईएएस में, और सर आप लोग को इंडियन क्वेश्चन और पॉलिटी वाला जो ये सेक्शन है पूरी डिटेल में नितिन कुमार सर आप लोग को कराएंगे, ठीक है। बाकी सारी स्ट्रेटेजी सर बात करेंगे जब सर आएंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या सोर्सेस पढ़ने हैं ये सारी चीजें। अब उसके बाद जाकर के जो सेकेंड सेक्शन है पेपर टू का देख लीजिए। तो पेपर टू का जो सेकेंड सेक्शन है इसमें उन्होंने दो सेक्शन को इंक्लूड कर लिया है। दो सेक्शन कौन कौन से? तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी। ऑफलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करें? तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए भी आप कॉल कर लीजिए, यहीं पे मुखर्जी नगर से भी ये लाइव चल रही है। मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास ही हम लोगों की क्लासरूम है, तो वहीं से आप मुखर्जी नगर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। रेगुलर यहाँ पे मंडे टू संडे क्लासेस चलती है। देखिए दो दो महीने का एग्जाम का बचा हुआ रहता है, तो ऐसे में हम लोग संडे को भी क्लास लेते हैं, ठीक है, संडे को भी पढ़ाया जाता है। सैटरडे संडे यानी वीकेंड में भी हम लोग की क्लासेस लगातार चलते रहती है, ताकि 2 महीने में आपका सिलेबस कवर हो सके। डेली हम लोग कम से कम 4 क्लासेस मेन्स के लेक्चर लेंगे, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के, तब आपका पूरा होगा 2 महीने में सिलेबस। सिलेबस ही हमारा पूरा करना मकसद नहीं है, हम आंसर राइटिंग साथ में करा दे रहे हैं, ताकि जब आप 9 दिसंबर को एग्जाम देने जाए तो आप बहुत आसानी से आप आंसर लिख पाए, क्योंकि इस बार या आगे आने वाले भी समय में बीपीएससी कभी इतना गैप नहीं देगा कि पहले 6 महीना मेंस की तैयारी कीजिए, फिर आंसर लिखना शुरू कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज आंसर का कहीं ज्वाइन कीजिए, फिर 4-5 महीना में जब आपका एक लेवल बनेगा तब आप मेंस दे सकेंगे। ऐसा नहीं है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जितना कम समय दे रहा है बीपीएससी पिछले कई बार से आप देख रहे हैं मेन्स के लिए, उतने में क्या होगा कि जब तक क्लास में साथ साथ आंसर राइटिंग नहीं हो सकती है तब तक आप मेन्स के लिए कंफर्ट नहीं होंगे। मेन्स के लिए कंफर्ट तभी हो सकते हैं जब टॉपिक के साथ ही उसी क्लासरूम में क्लास आंसर राइटिंग हो जाए, तभी हो पाएगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों ने आंसर राइटिंग पे इतना ज्यादा जोड़ दिया है। अब देखिए पेपर टू का सेक्शन टू कौन सा है देख लीजिए। तो पेपर टू का सेक्शन टू में इंडियन इकोनॉमी है, और इस इंडियन इकोनॉमी में अब बीपीएससी ने एकदम ट्रेंड बदल दिया। ट्रेंड क्या बदल दिया? तो अब कोर इकोनॉमी, मनी, बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जीडीपी, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेंटर के जितने स्कीम चल रहे हैं, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हो या अदर स्कीम्स हो, सेंटर के जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, इन पे क्वेश्चन, स्टेट के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्टेट के जितने स्कीम चल रहे हैं, यानी केंद्र सरकार के राज्य सरकार की जितनी योजना परियोजना और उसके बाद जा करके अन्य चीजें जितनी है, उसके बाद राज्य सरकार की जितनी योजना परियोजना चल रही है, ठीक है, उन सभी पे क्वेश्चन पूछे जाने की नीति, ठीक है, पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी हो या अन्य पॉलिसी हो, ट्रेड पॉलिसी हो। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख लीजिए शॉर्ट नोट्स में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 पूछ लिया, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से पूछ लिया क्वेश्चन, यहाँ पे देख ही रहे आप। उसके बाद जाकर के अटल इनक्यूबेशन सेंटर से क्वेश्चन आ गया, अटल न्यू इंडिया चैलेंज से क्वेश्चन आ गया, देखिए रहे, अटल इनोवेशन मिशन से क्वेश्चन आ गया है, मिला करके उनके बाद जाकर के यहां से पूछ दिया है। अर्बन, ये हो गया इकोनॉमी का है, ये दोनों शॉर्ट नोट्स। उसके बाद अर्बनाइजेशन की बात करें तो इकोनॉमी ज्योग्राफी दोनों में आता है। इंडियन ओशियन डाइपोल जो है वो चर्चा में रहा था, हिंद महासागर द्विध्रुव, क्योंकि इस बार मानसून को लेकर के भविष्यवाणी की गई थी कि मानसून लेट से आएगी, मानसून कमजोर होगी, और उसको लेकर के जो हिंद महासागर में जो डाइपोल बनते हैं उससे पूछा गया, क्योंकि ये लगातार चर्चा में था, ठीक है, ऑप्शनल से लेकर के हर जगह पूछे जाने की आईएएस में भी संभावना थी। उसके बाद जाकर के यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ग्रामीण और शहरी वाला जो है वो डिजिटल वाला जो है यहां से क्वेश्चन एक आया हुआ है शॉर्ट नोट से। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट नोट्स पूछने से ये दायरा बढ़ गया है। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2022 में वैश्विक व्यापार जो है वो वर्ल्ड ट्रेड को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी ये इकोनॉमी का एक ऐसा इशू है जो लगातार चर्चा में था। उसके बाद ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो फरवरी 2022 में बिहार का जो टेली डेंसिटी है उसको रिलेट करके पूछ लिया है, यानी बिहार से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ पे देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमी तो है, लेकिन कोर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी तो लगातार चर्चा में रहा, समुद्र तटीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की संभावना है। तो जैसे इस बार ब्लू इकोनॉमी पूछ लिया, तो अगले बार अगर हम लोग बात करें तो अगले बार भी अगर आपसे देखें तो भारतमाला से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ गई।
ठीक है, भारतमाला से क्वेश्चन जाने की संभावना, सागर परिक्रमा से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ गई, राइट। तो कहने का मतलब है कि सेंटर के स्टेट के जितने प्रोजेक्ट्स है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की स्कीम से संभावना बढ़ रही है। अब देख लीजिए यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन मेंशन कर दिया, और ज्योग्राफी का क्या कर दिया इन्होंने, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, और तीनों के लिए अलग अलग मार्क्स दे दिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और ये मिनरल बेस्ड। ये तो मैंने पूरा डिटेल में मेंस में करवाया हुआ था, ठीक है, और ये डायरेक्ट आया हुआ है मेंस में क्वेश्चन, जो मैंने पिछले वाले मेंस में करवाया था। तो कहने का मतलब है कि आधारित बिहार में कौन कौन से उद्योग है, कृषि आधारित कौन सा, नहीं जानते, इसको तीनों को भी सेपरेट भी अलग से भी एक सीधे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब इसकी बात करें तो ये सेक्शन कौन कराएंगे, इस पे बात कर लेते हैं। तो ये सेक्शन देख लीजिए जो इसका इकोनॉमी वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कोर इकोनॉमी नहीं होता, क्या है सीधे सीधे ये करंट इशू से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं कवर कराऊंगा। मैं यानी मुझे आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को ये वाला सेक्शन पूरा करवाऊंगा, ये इकोनॉमी वाला भी सेक्शन जिसमें जितने सेंटर के प्रोजेक्ट और स्कीम है, और इसमें क्या होगा तो इसमें विद मैप होगा, ठीक है, कोई भी योजना होगी, कोई भी परियोजना लिखेंगे, प्रोजेक्ट लिखेंगे, तो उसमें नक्शा बना करके उस परियोजना को दिखाएंगे, साथ साथ उसमें फ्लो चार्ट भी बनाएंगे ताकि उस मिशन से जुड़े हुए या उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए चीजों को ज्यादा क्लियर किया जा सके। इंडियन ओशियन डाइपोल, इसी में जब इंडियन ज्योग्राफी का करेंगे तो उसमें भी मैप बना करके दिखाएंगे, डायग्राम बना करके दिखाएंगे, तो इसमें आपका मैप भी बनेगा, इसमें आपका डायग्राम भी बनेगा, और ये सेक्शन पूरा का पूरा करेंट इशू से भी जुड़ा होगा, और ये पूरा सेक्शन मैं आप लोगों को, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाकर के हम लोग बात करते हैं, देखिए ब्लू इकोनॉमी, जैसे ही ब्लू इकोनॉमी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो ब्लू इकोनॉमी नहीं कर पाएंगे आप। इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आपको ज्योग्राफी का भी डेप्थ नॉलेज चाहिए, और ज्योग्राफी के नॉलेज होंगे तो साथ साथ आप क्या करेंगे तो इंडिया का मैप बना करके ये भी बता सकते हैं कि इंडिया हैज टोटल ऑफ कितना है 7516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन, और उस कोस्ट लाइन के साथ हमारे कितने हैं तो 200 नॉटिकल माइल तक ईईजेड एरिया है, और उसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे और अपनी ब्लू इकोनॉमी में दिखाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी के नॉलेज के साथ साथ करंट से चीजों को कनेक्ट करेंगे तो जा करके और तभी ढंग से इसकी तैयारी हो सकती है। चलिए तो इसको तो मैं कराऊंगा कवर, अब देखते हैं सेक्शन थ्री, पेपर टू का सेक्शन थ्री है वो क्या है देख लीजिए। तो सेक्शन जो थ्री है जीएस पेपर टू का वो है साइंस एंड टेक। साइंस टेक में भी बिहार जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि बिहार बहुत सारा काम हो रहा है, कुछ चीजों का पेटेंट बिहार में भी हुआ है, बिहार में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ नए आविष्कार किए गए हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, आपने देखा होगा अभी सवर कुंवर नाम का वो बनाया है उन्होंने, उसके बाद कुछ जीआई टैग भी मिला है बिहार के प्रोडक्ट को रिसेंटली, मर्चा राइस वगैरह सबको, तो शॉर्ट नोट्स वहां से भी बन सकता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा क्या है, बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात की जा रही है, आपने देखा होगा कि जो जैविक कॉरिडोर के निर्माण का जो है उसका जो समय था अवधि था वो खत्म होने वाला था, उसको बढ़ा करके 2025 किया जा चुका है। तो साइंस एंड टेक का प्रैक्टिकल जो यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो यहां पे दिया गया है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए शॉर्ट नोट्स में देख लीजिए, इस तरह का शॉर्ट नोट्स आ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजेनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम यहाँ पे पूछ रहा है, उसके बाद जाकर के इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है, यहीं पे देख लीजिए प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण, ठीक है, देख लीजिए। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि IIT पटना जो है उसने क्या किया है, तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने का फैसला किया है, AI का यूज करने का फैसला किया है आधारित, वो बहुत सारी चीजें कर रहा है, जैसे कि वहां पे एक सुपर कंप्यूटर भी लगाया जाएगा IIT पटना में, आपने देखा होगा न्यूज में रिसेंटली पढ़ा होगा, AI आधारित उसमें बहुत सारी काम भी हो रहे हैं, जैसे कि अगर बात कर ले तो पटना एम्स की बात कर ले, PMCH की बात कर ले, तो उस पर भी AI आधारित जो है आगे चिकित्सा प्रणाली को डेवलप करने की बात हो रही है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में भी तो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बिहार में भी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो सड़क वगैरह से बनाते हैं उसके मटेरियल की क्वालिटी सही है नहीं, उसकी जांच के लिए जो मशीन बनाई गई है उसको बिहार IIT पटना के छात्रों के द्वारा, कुछ छात्रों के द्वारा बनाई गई, जिसका पेटेंट कराया गया, आपको पता होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बिहार में जैसे गया जिला स्कूल जो है वहां के कुछ छात्रों ने हवा से
पानी बनाने की एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जो सूखे वाले क्षेत्र के लिए लाभदायी हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो बहुत सारा काम हो रहा है, पेटेंट भी उस पर कराया गया है। तो बिहार में टेक्नोलॉजी, अब देख लीजिए यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी तो वैसे ही है जो पहले पूछ रहा है, बस उसमें क्या है कि अब बिहार जहां कनेक्ट हो सकता है वहां कनेक्ट कर दीजिए। डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है उसके तहत आप देख रहे हैं, जो डिजिटल बैंकिंग है उसके तहत जहानाबाद ने पिछले दिनों किया है। अब उसके अलावा बिहार के दो और डिस्ट्रिक्ट है जो पाइपलाइन में है, जो आने वाले समय में डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह से 100% हो जाएगी। तो इसको लेकर के एक शॉर्ट नोट्स बन सकता है। अभी तक तो आपने पीटी में सिर्फ फैक्ट पढ़ा था, याद किया था कि जहानाबाद डिजिटल बैंकिंग हो गया। डिजिटल बैंकिंग होने के क्या क्या लाभ होते हैं वो कब जाने कैसे जानेंगे, जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार करेंगे उस पर कि डिजिटल बैंकिंग से इससे क्या क्या फ्यूचर में फायदा हो सकता है, क्या है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। उसके अलावा जो सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो अपने लेवल पर डिजिटल होती जा रही है। आपने देखे होंगे कि बिहार का जो कुछ जिला है वो 100% डिजिटल हो चुका है। तो ये सब सारी चीजें उनके जो कलेक्ट्रेट है, तो उन सब चीजों पे क्या है कि आपको जोड़ करके साइंस एंड टेक की पूरी जो क्लास होगी बिहार को भी जोड़, ये आप लोगों को कवर कराएंगे। सीनियर मोस्ट टीचर साइंस टेक में मुखर्जी नगर के सबसे सीनियर टीचर एक हैं श्री ए एन सिंह सर, ठीक है। और ए एन सिंह सर, श्री ए एन सिंह सर है, और वो मुखर्जी नगर के कुछ बड़े कोचिंग, यहाँ पे टेक्निकली मैं नहीं नाम ले सकता हूँ अदर इंस्टीट्यूट का, मुखर्जी नगर के कुछ बड़े आईएएस इंस्टीट्यूट है उसमें साइंस टेक पढ़ाते हैं, और सर बिहार से ही हैं, और इसीलिए सर को बीपीएससी में इंटरेस्ट है पढ़ाने में, और इसीलिए सर एग्री हुए हैं पढ़ाने के लिए। तो एन सिंह सर आप लोगों को साइंस टेक कराएंगे, जिसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिहार से भी कनेक्ट करके सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एन सिंह सर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। अब ये सारी चीजों की तो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर ली, अब इनके लिए जो सोर्सेस होंगे, जो स्टडी मटेरियल होंगे, वो कौन कौन सा हम लोग यूज करेंगे उस पर आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो स्टडी मटेरियल होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें मार्केट में तो जितनी सारी किताबें है ही ऑलरेडी, और आप लोगों को भी पता है जितनी किताबें हैं, हम लोगों का जो मोबीशाला अपना पब्लिकेशन है, ठीक है, हम लोगों का अपना पब्लिकेशन भी है मोबीशाला का, और ये दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में, इंग्लिश में भी और हिंदी, दोनों मीडियम की सेपरेट बुक्स बनाती है, पब्लिश करती है। तो आप चाहे तो ये किताबें भी आप ले सकते हैं, और आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहे और सिर्फ आप बुक से स्टडी करना चाहे, जितनी भी बुक है हम लोगों की, पीटी के लिए भी बुक है, पीटी भी है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर भी है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, सॉल्व पेपर भी है, मेंस की भी बुक्स है, मेंस की भी बुक्स है, ठीक है। इसमें भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी है और प्लस बुक्स भी है। जितने भी मेंस के बुक्स है सभी में आंसर राइटिंग की भी चर्चा की गई है, और मॉडल आंसर भी उसमें दिया गया है, ताकि आप किसी टॉपिक में कैसे लिखा जाए आंसर वो भी जान सकते हैं। दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके, अगर आप चाहे, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहे, तो आप इन बुक्स को भी कुरियर के थ्रू आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहले से स्टडी मटेरियल खरीदे हुए हैं, मार्केट के कोई भी फेमस किताबें हैं उनके साथ, तो आप चाहे अपनी इस प्रिपरेशन के साथ ही, चाहे तो हम लोग के साथ तैयारी करने के साथ ही, कोचिंग के साथ ही, अगर आप चाहें तो, ऐसे स्टूडेंट जो मेंस में यहाँ पे रेगुलर में एडमिशन लेते हैं उनको तो ये बुक्स फ्री में मिलेगी, साथ में इंक्लूड होगा उनके कोर्स के साथ। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन नहीं लेते हैं और सिर्फ बुक्स चाहिए, वो भी चाहे, तो जो नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको जो बीपीएससी में बदलाव आया है, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाएगा, मेंस के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, उस पर अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए, मॉडल एसे चाहिए कि कैसे एसे लिखा जाए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में हो, तो आप उस कंटेंट के लिए, मॉडल आंसर के लिए भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको नंबर अपना प्रोवाइड करा देता हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज कर लेंगे। कई बार कॉल क्लास में होने की वजह से नहीं रिसीव करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रिप्लाई जरूर कर दिया जाता है, बाद में कॉल बैक जरूर किया जाता है, तो ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बार आप लोग सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को
कोई भी गाइडेंस चाहिए बीपीएससी मेंस को लेकर के, 70वीं फाउंडेशन बैच को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के, एसे को लेकर के, तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं जो नंबर मैंने प्रोवाइड कराया उस पर भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया उस पर भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।